और राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा का पूरे प्रदेश में मिलेगा लाभ। और गंगा की सफाई के लिए फर्रुखाबाद में समाज सेवियों ने उठाया बीड़ा। नुक्कड़ नाटक में पौराणिक चरित्रों के माध्यम से स्वच्छ गंगा अभियान के लिए कर रहे हैं जन जागरण। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन को चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बलिया, वाराणसी, इटावा, प्रयागराज, हमीरपुर सहित बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से जनहानि तथा पशु हानि को हर हाल में रोका जाए और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिविरों में पहुंचाया जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद करने के साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बांधों की लगातार निगरानी के भी निर्देश दिए हैं ताकि आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। मऊ जिले के घोसी में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 विभागों की 51,02,00,000 रुपए से अधिक की लागत की 74 परियोजनाओं का लोकार्पण और 7 विभागों की 1,14,00,000 रुपए से अधिक लागत की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 लाभार्थियों को आवास की चाबी भी दी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने सपा बसपा की पूर्व सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन सरकारों में सिर्फ उनके परिवारों का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर उसे एक भारत श्रेष्ठ की भारत की कल्पना से जोड़ा गया, वहीं 3 तलाक समाप्त कर नारी की गरिमा बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने उपस्थित लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग न करने का संकल्प भी दिलाया। जनसभा को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश के कई मंत्रियों ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए। मैं मऊ जनपद और घोसी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से कहना चाहूंगा, जो प्लास्टिक आपका हितेशी कम और दुश्मन ज्यादा है, वह प्लास्टिक पूरी तरह मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक मुक्त मऊ जनपद को करने की कार्रवाई में आप भाग लेंगे? अगर लेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ लगा करके बोलिए, मेरे साथ बताइए भाइयों बहनों, ये प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, परिवार के लिए खतरनाक है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है और पशुधन के लिए भी खतरनाक है। मुझे लगता है मऊ जनपद इसका साक्षात उदाहरण है कि मऊ जनपद के अंदर कैसे यहाँ के लोगों के सुख को हरने के लिए इनके अधिकारों पर डकैती डालने की कार्रवाई होती थी। आज प्रदेश के अंदर 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं, कोई गंगा नहीं हो सकता, पर्व और त्योहारों में कोई उपद्रव नहीं कर सकता, रामलीलाओं में कोई विघ्न बाधा नहीं खड़ी कर सकता, कांवड़ यात्रा को कोई रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता और पर्व और त्योहार हर जाति हर मत और मजहब के लोग पूरे सम्मान और गौरव के साथ मना सके, इस बात की सुरक्षा आज प्रदेश के अंदर सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर गोरखपुर में राष्ट्रीय एकता के तहत रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ चिकित्सालय में रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की। रक्तदान करने वालों में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा के पानी का शुभारंभ करते हुए पूजा अर्चना की। उन्होंने केवड़िया में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन माँ नर्मदा के दर्शन का अवसर मिलना, पूजा अर्चना का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए कैसे विकास किया जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण अब केवड़िया में देखने को मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, बिजली उत्पादन के यंत्र हैं, तो दूसरी तरफ एकता नर्सरी, बटरफ्लाई गार्डन जैसी इको टूरिज्म से जुड़ी बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। इन सबके बीच सरदार पटेल जी की भव्य प्रतिमा जैसे केवड़िया में विकास, प्रकृति और पर्यटन की एक त्रिवेणी बह रही है जो सभी के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज ही निर्माण और सृजन के देवता विश्वकर्मा जी की जयंती भी है। नए भारत के निर्माण के जिस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें भगवान विश्वकर्मा जैसी सृजनशीलता और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। अवसर बहुत ही भावनात्मक है। सरदार पटेल ने जो सपना देखा था वो दशकों बाद पूरा हो रहा है और वो भी सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के उन आंखों के सामने हो रहा है। हमने पहली बार सरदार सरोवर बांध को पूरा भरा हुआ देखा है। एक समय था जब 122 मीटर के लक्ष्य तक पहुंचना ही बहुत बड़ी सिद्धि माना जाता था, लेकिन आज 5 वर्ष के भीतर भीतर 138 मीटर तक सरदार सरोवर का भर जाना अद्भुत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सेवा भावना को देखते हुए प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्तव्य निष्ठा और सजगता के साथ कार्य करने की प्रेरणा सभी को लेनी चाहिए। विश्वकर्मा पूजा का पर्व आज पूरे प्रदेश में परंपरागत वातावरण में मनाया जा रहा है। लखनऊ में दूरदर्शन केंद्र परिसर में इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की सामूहिक पूजा का आयोजन किया गया। उप महानिदेशक अभियांत्रिकी तथा केंद्राध्यक्ष प्रीति शुक्ला और अपर महानिदेशक समाचार आरपी सरोज ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद हवन में सामूहिक रूप से दूरदर्शन के अभियांत्रिक विभाग, प्रशासन विभाग, कार्यक्रम विभाग एवं समाचार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आहुति देकर भगवान विश्वकर्मा की आराधना की और देश और प्रदेश में सुख शांति तथा प्रगति की कामना की। अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में अब किडनी के मरीजों को 1 रुपए में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। किडनी के मरीजों को 1 रुपए में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने वाली नेशनल डायलिसिस सर्विस का दायरा बढ़ा दिया गया है। गोंडा में 1 रुपए में डायलिसिस की सुविधा शुरू करने के साथ ही पहले चरण के अलीगढ़ सहित 18 जिलों में इस सेवा को शुरू करने का लक्ष्य पूरा हो गया है। दूसरे चरण में भी अन्य 18 जिलों में 1 रुपए में डायलिसिस सेवा सुविधा दी जानी है। इनमें से भी 13 जिलों में डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। 5 बचे हुए जिलों में नवम्बर माह से 1 रुपए में डायलिसिस की सेवाएँ शुरू हो जाएंगी। तीसरे चरण में प्रदेश के 2 चरणों में आच्छादित जिलों से बचे हुए जिलों में भी 1 रुपए में डायलिसिस की सुविधा मिलने लगेगी। पहले चरण में अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, कानपुर नगर, बस्ती, गोंडा में डायलिसिस यूनिटें शुरू हो गई हैं। इससे डायलिसिस के मरीज बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि पैसे के अभाव के कारण समय से वे अपनी डायलिसिस नहीं करवा पाते थे, लेकिन अब समय से वे डायलिसिस करवा सकेंगे। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी, प्रारंभ में 18 जिलों में स्थापित की गई थी, उसमें अलीगढ़ भी शामिल था। यहाँ पे 20 अप्रैल से ये शुरू की गई है। इसमें 1 रुपए के पर्चे पर बिल्कुल निशुल्क डायलिसिस हो रही है। ये सरकार के द्वारा पीपी मॉडल पे स्थापित की गई है और बहुत से मरीजों की डायलिसिस तो बड़ा महंगा अफेयर है, इसको नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो अब ये है कि काफ़ी मरीजों को जीवनदान इसकी वजह से मिल रहा है। बड़ी अच्छी योजना है सरकार की, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। 1 रुपए में हो जाती है डायलिसिस, समझे ना, व्यवस्था यहाँ बढ़िया है। पहले प्राइवेट में बहुत परेशान था, बहुत बढ़िया योजना है।
जो सरकार योजना लगाई है, 1 रुपये में डायलिसिस होती है, ये बहुत अच्छा है। पहले प्राइवेट में मैं कराता था तो उसमें मैं बराबर करा नहीं पाता था, मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। फिर माशाल्लाह जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, 1 रुपया दे के जो है यहाँ पे आया हूँ, तब से मैं 31/5/2018 को आया हूँ, तब से कोई परेशानी नहीं, कोई बहुत अच्छा, बहुत बेहतर हो रहा है सर। पीपी मॉडल में भारत सरकार के द्वारा और हमारे हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी के द्वारा चलाई जा रही है, जहाँ पे हम 10 बेड का ये रखे हैं, जिसमें एक हमारा सेरो पॉजिटिव है जो कि एक अलग सेग्रीगेटेड वर्जन है। हमने सबसे लेटेस्ट मशीन निप्रो की, हमारा सबसे लेटेस्ट आरओ मशीन यूज़ करते हैं और एक दिन में 3 शिफ्ट में हम 30 मरीजों का डायलिसिस करते हैं, जिनको सिर्फ 1 रुपये का पर्चा बनवाना पड़ता है और ये अस्पताल के ओपीडी पेशेंट के रूप में हमारे पास आते हैं। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में धांधली करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में नगरीय क्षेत्र में रहने वाले निर्धन गरीब परिवारों के लिए पात्रता के आधार पर आवास निर्माण के लिए धनराशि मुहैया कराई जा रही है। इस योजना में लाभार्थियों को आवास के नाम पर धनराशि देने के लिए उनसे कुछ दलाल और असामाजिक तत्व अवैध ढंग से धनराशि की वसूली कर रहे थे। इसे लेकर प्रभावित लाभार्थियों के शिकायती पत्र के आधार पर जिलाधिकारी एनपी सिंह ने जिला नगरी विकास अधिकरण यानी झुंडा के अधिकारी अरविंद कुमार पांडे को जन सुनवाई में भेजा गया और उन्होंने आश्वस्त किया कि बिना किसी भेदभाव के सभी लाभार्थियों में जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास अवश्य दिया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे अवैध रूप से दिया गया अपना पैसा वापस ले लें। साथ ही जिन लोगों ने पैसा लिया है उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी ने पैसा वापस न किया हो, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जो भी लिया है। मैंने लोगों का बयान दर्ज किया है और उनसे अनुरोध किया है कि जिनसे भी पैसा उन्होंने लिया है वो वापस ले लें। इस योजना में कोई भी पैसा कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। जो पैसा लिया गया है उसके जिन्होंने पैसा लिया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की के भी प्रस्ताव किए जा रहे हैं और हमारी पूरी ये कोशिश है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कि कोई भी व्यक्ति इस योजना में एक पैसा न ले पाए। गुरु नानक जी की 550वीं जयंती से पूर्व मोदी सरकार ने 1980 के दशक में राजनीतिक कारणों से काली सूची में डाले गए 312 सिखों को सूची से बाहर करने और भारत में उन्हें परिवार समेत वीजा देने की घोषणा को लेकर सिख समुदाय ने खुशी जताई है। शाहजहांपुर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरुदेव सुखदेव सिंह की बरसी पर विभिन्न जिलों से आए सिखों ने बताया कि हमारे सभी प्रतिबंधित भाई बंधु विदेशों से रहकर ही अपने गुरुओं की अरदास कर लेते थे, लेकिन मोदी सरकार के फैसले से सिख समाज काफी खुश है। वर्तमान सरकार ने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है इस कार्य के लिए कि उनको अब जो है भारत आने की अनुमति दे दी गई है और वो भारत आकर के जितने भी हमारे गुरुपुरब होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें आकर के वो शिरकत कर सकें, गुरु की बाणी पढ़ सकें और लोगों को उपदेश दे सकें। हम लोग इस बात पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और बड़ी ही हम लोगों को प्रसन्नता हो रही है कि जो है भारत सरकार ने ये एक सराहनीय कदम जो है सिखों के प्रति उठाया है। ये बहुत खुशी वाली बात है जो हमारे सिख भाई जिनको 1980 में तकरीबन 312 जो सिख थे उनको देश निकाला कर दिया गया था, तो अब इस समय जो मौजूदा सरकार है, भारत सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी और उनका सारा संगठन, उनकी सारी जो पार्टी है वो बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने सारे सिख 312 को अपना सारी कानूनी कार्रवाई करा के ये दिखा दिया है कि वो निर्दोष हैं। अब वो अपने मुल्क इंडिया में वापस कभी भी आ सकते हैं परिवार समेत। भारत देश है, इसमें सभी धर्म का वो सम्मान करते हैं। जो उन्होंने सिख धर्म पे जो 312 परिवार थे जो 1980 में उन्हें देश निकाला दिया गया था, अब उन्हें हिंदुस्तान बसने की रहने की बहुत अनुमति दी है। ये बहुत अच्छा बड़ा कार्य है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। पवित्र गंगा की सफाई के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, किंतु ये कार्य अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए जन भागीदारी भी जरूरी है। इसी क्रम में फर्रुखाबाद के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गंगा सफाई अभियान के लिए आम जन को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर समिति ने एक नाटक के माध्यम से राधा श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र बनाकर जनजागरण शुरू किया। नाटक में सुदामा द्वारा अपने सखा श्री कृष्ण से गंगा की स्वच्छता की मांग की जाती है, जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और लोग अभी इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच गंगा की नदी का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है, लेकिन समिति के लोग नाटक के माध्यम से गंगा सफाई, पॉलिथीन का प्रयोग बंद करने और वृक्षारोपण के लिए लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। समिति का कहना है कि वे प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों को गंगा के घाटों पर गंदगी न करने का संदेश दे रहे हैं और समिति घाटों की गंदगी को खुद भी साफ करेंगे। गंगा माँ को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी मनोकामना तथा हृदय से अपने हाथों द्वारा गंगा का सफाई अभियान सफल बनाएं। हम सभी का आपसे निवेदन है, गंगा को निर्मल बनाने हेतु सभी नागरिकों एवं भक्तजनों से आह्वान किया गया कि वो गंगा जल में किसी प्रकार का भी कूड़ा करकट अपशिष्ट न डाले, उसका भू विसर्जन करें। गंगा जी की स्वच्छता या किसी भी जगह की स्वच्छता सफाई करने से नहीं होगी। जब तक समाज जागरूक होकर गंदगी फैलाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा विशेष उद्देश्य है कि आप लोग किसी भी प्रकार की गंदगी, पॉलीथीन, इस तरीके की चीजें जो हैं, उनका विसर्जन बंद करें। सड़कों पर बेसहारा छोड़े गए गौवंशों के लिए कन्नौज जिले में शीघ्र व्यवस्था की जा रही है। इस तरह के पशुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कन्नौज जिले में दूसरी स्थायी गौशाला बनाने के लिए 1,20,00,000 रुपये आवंटित किए हैं, जिसके बाद जिले में 2 बड़ी स्थायी गौशाला होने से बेसहारा गौवंशों की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि अभियान की शुरुआत में बेसहारा गौवंशों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने एक बड़ी स्थायी गौशाला निर्माण के लिए बजट दिया था और एक स्थायी गौशाला बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी बड़ी स्थायी गौशाला के लिए भूमि पूजन छिबरामऊ में किया गया है। कन्नौज जिले के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि स्थायी गौशाला बन जाने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों ने भी बेसहारा गौवंशों से फसलों के नुकसान से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। शासन द्वारा बेसहारा और असहाय पशुओं के लिए निरंतर निर्देश दिए गए हैं और उनकी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के क्रम में कुछ अस्थायी गौशालाएं और कुछ स्थायी गौशालाएं बनाने के निर्देश हैं। वर्ष 18-19 में भी सरकार से 1,20,00,000 की धनराशि प्राप्त हुई थी। जो पुरसा गांव में वो गौशाला बनी है, उसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। वर्ष 19-20 के लिए भी धनराशि 1,20,00,000 प्राप्त हो गई है और इस वर्ष हम ये गौशाला छिबरामऊ तहसील के छिबरामऊ देहात के एक ग्राम है वहाँ पर बनवा रहे हैं। आज उसी गौशाला का भूमि पूजन कार्यक्रम है और हम लोगों ने निरंतर निरीक्षण करके सुनिश्चित किया है कि गुणवत्तापूर्ण गौशाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो, ताकि जो बेसहारा और असहाय पशु गोवंश इधर उधर घूम रहे हैं, उनको वहाँ पर सुरक्षित तौर पर रखा जा सके। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश भर में जो है गौशालाएं बन रही हैं और निश्चित रूप से इसको लेकर भी काम लगातार जारी है और ये आने वाले समय में समस्या समाप्त होगी। ये साहब जो नई गौशाला बन रही है, उससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, आने जाने वालों को बहुत फायदा होता है। आपस में जो लड़ जाते हैं जो साढ़, उससे एक्सीडेंट वगैरह होता है। अब गौशाला बन रही है, उसमें 10,000 क्षमता है। कम से कम अब किसानों को जो बच्चे इनके जीविका आए वो तो सब बच जाएंगे। फसल जो है लोगों की सही तैयार होगी। आप खेतों सड़कों में देखेंगे ना, गौशाला है उसके अंदर पहुंच जाएंगे सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ पूरे देश में अभियान शुरू करने की अपील की, लेकिन पर्यावरण और मानव के लिए खतरा बनी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुरादाबाद में अभी से जागरूकता पैदा हो चुकी है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सामाजिक संस्थाओं और रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेल यात्रियों को नुक्कड़ नाटक के जरिए शपथ दिलाकर यात्री ट्रेनों में यात्रियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही प्लास्टिक से होने वाले नुकसान भी बताए जा रहे हैं। तो कैसे सही करें, तो आज हमने यहाँ पे ट्रेन में भी और प्लेटफॉर्म में भी काफी लोगों को जागरूक किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, मतलब प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है, उसके लिए हमने आज लोगों को काफी कुछ जागरूक किया है और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो वेस्ट सेग्रीगेशन होता है उसके बारे में बताया है लोगों की
गीला कूड़ा क्या होता है, गीले कूड़े में क्या क्या चीजें आती है, सूखा कूड़ा क्या होता है, सूखे कूड़े में क्या क्या चीजें आती है। आज हमने रेलवे स्टेशन परिसर में आने जाने वाले लोग, यहाँ तक कि ट्रेन के अंदर जाकर भी लोगों को ये बताया है कि एकल यूज होने वाली प्लास्टिक को अवॉइड करें, क्योंकि वो प्लास्टिक बहुत लंबी आयु तक चलती है और वो हमारे लिए हानिकारक है। कहीं ना कहीं उसकी आयु बढ़ाकर हम अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने लोगों को ट्रेन में जाकर, स्टेशन परिसर पर, प्लेटफॉर्म में, हर जगह जाकर लोगों को बताया है कि एक बार यूज होने वाली प्लास्टिक को छोड़े और उसको गिव अप कर दें बिल्कुल। और उसका मुख्य उद्देश्य जो है अपने रेलवे परिसर को में साफ सफाई मेंटेन करना, जो रेलवे के आवासीय परिसर हैं, कार्यालय हैं, उनमें साफ सफाई रखना और रेल यात्रियों को भी जागरूक बनाना कि वो भी इस स्वच्छता के अभियान में हमारा सहायता करें। उसी की कड़ी में एक ये नुक्कड़ नाटक यहाँ पर आयोजित करा गया था, जिसका उद्देश्य जो है जो हमारे रेल के यात्री यहाँ पर जा रहे हैं उनको भी स्वच्छता के लिए और जागरूक करना है। लखनऊ में रेलवे से सेवानिवृत्त हुए राजा गोपाल सान्याल इन दिनों गरीब और साधनहीन लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराकर समाज सेवा कर रहे हैं। सान्याल गरीब मरीजों को निःशुल्क होम्योपैथी और एलोपैथी इलाज की सुविधा देने के साथ साथ मुफ्त भोजन और उनके आने जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करते हैं। इस काम में उनकी मदद करने के लिए अनेक चिकित्सक और दवा विक्रेता भी स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। सान्याल ने बताया कि मात्र 1650 रुपये में ज़रूरतमंद लोगों को आँख के ऑपरेशन की सुविधा भी दी जा रही है। पहला कैंप हमने 14 तारीख सन 2000 एलडीए कॉलोनी में सेक्टर डी में जो है अरेंज किया। हम लोगों ने पहला कैंप स्टार्ट किया। एवरी संडे हम लोग उस घर में ही जो है कैंप चलाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ने लग गए और बाहर जो है हर तीसरे चौथे महीने डॉक्टरों की टीम लेकर के मैं जगह जगह जो है कैंप्स करने लगा। इस तरह जो है मैंने करीब करीब पिछले साल में जो है 5-7 कैंपें जो है आँख की है। उसमें ज़्यादातर जो है मैंने ये देखा है कि एवरेज हमको आप ये समझ लीजिए कि 10 से 15 जो है मोतियाबिंद के पेशेंट हर कैंप में मिला है, इतना जो है मैं फिगर दे सकता हूँ। उनको पर्चा वहाँ बना देते हम लोग, वो किसी भी दिन जा करके अस्पताल में 1650 रुपये जमा करके अपना ऑपरेशन जो है करा लेते हैं, जिसमें एक महीने की दवा इंक्लूड है, काला चश्मा इंक्लूड है, पैथोलॉजी का खर्चा इंक्लूड है, एक्स्ट्रा कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। और उस चैरिटी में बहुत से फायदे हैं। नंबर एक तो हम लोग 20वें पर्चे पे हर पेशेंट को देखते हैं, उसमें सारी दवाइयाँ देते हैं। अगर किसी पैथोलॉजी की आवश्यकता हुई तो हम लोगों ने पैथोलॉजी या शार्ट पैथोलॉजी से कॉन्टेक्ट कर रखा हुआ है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं अल्ट्रासाउंड, उसमें 50% डिस्काउंट मिल जाता है। कोई भी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता तो उसमें भी 50% डिस्काउंट मिल जाता है। और इनकेस आप कोई बीमारी ने देखी पेशेंट में नहीं आ रही है, डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो अपने एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके पास भेज देता हूँ। तो वो लोग हमारी जो चैरिटी उससे ऐड है, तो उससे क्या होता है कि वो लोग फर्स्ट टाइम फीस नहीं लेते हैं, दुबिन की फीस वो चार्ज नहीं करते, जीरो फीस पे पेशेंट देख लेते हैं। मैं ये डॉक्टर वाले बाबा हैं जिनने हमको टॉफी भी दी और हमको खाना भी देते हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और ये दवाई भी अच्छी देते हैं। दादाजी के माध्यम से सारे लोगों, गरीब लोगों के इलाज होता है। मधुबन नगर, ये आज़ाद नगर, ये क्या कहते हैं शक्ति नगर और बहुत से मोहल्ले हैं जिनके जो है सब लोग आते हैं। गरीब बहुत अच्छे से जो है ट्रीटमेंट वो करते हैं, देखते हैं, सबको फ्री दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज करवाते हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन को चौकसी बरतने के दिए निर्देश, कहा बाढ़ प्रभावितों की मदद के साथ ही बांधों की होल लगातार निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन आज, गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने अपनी मां का लिया आशीर्वाद, नर्मदा नदी की पूजा के साथ कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। प्रदेश के 31 जिलों में 1 रुपए में डायलिसिस की सुविधा हुई शुरू, गरीब और साधनहीन मरीजों को राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा का पूरे प्रदेश में मिलेगा लाभ। और गंगा की सफाई के लिए फरुखाबाद में समाज सेवियों ने उठाया बीड़ा, नुक्कड़ नाटक में पौराणिक चरित्रों के माध्यम से स्वच्छ गंगा अभियान के लिए कर रहे हैं जन जागरण।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार। इस अंधेरे उजाले के बीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, कह रही है ये रंगीनियां, दूर होंगी ये महरूमियां, कैसे कैसे है मंजर यहाँ, कैसे लूँ अपनी आँखें में नीच। अंधेरे उजाले के बीच देखिए बुधवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। साकी बन कर मुरली आई, साथ लिए कर में प्यारा, जिनमें वा छलकाती नाई, जिनमें वा छलकाती नाई, अगर सुधारस की नारा, अगर सुधार
उसकी नटवर नागर कहलाए, नटवर नागर कहलाए। नटवर नाग चत संगे लगे पर मोर पंख गल बन माला जकाम जकाम त्रिगड़ धुन तथे नाचत रागे संग रसिक वर दैद काली कुंज बिहारी बजत बीन मेरे दंग मधुर सु जक जक त्रिगड़ वेत्त गिन्न दानेर खत इंद्र आज सुर किन्न जयत जयत गिरदारी जयत जयत गिरदारी जयत जयत गिरदारी। देखो कैसों